अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जूफी फूड में बनाएंगे मक्के और बाजरे की रोटी, वो भी अलग स्टाइल में। तो देखिए, मैंने मक्के और बाजरे का जो आटा है दोनों को मिला के ले लिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, बस मेथड यही रहेगा जो मैंने बनाया, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस रोटी को। तो देखिए, मैं तो आज भट्टी पे बना रही हूँ, आप गैस चूल्हा जिस पे बनाना चाहें बना लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने गुनगुना पानी लिया है और इस तरीके से पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा कर हमें इस आटे को कहते हैं हींचना, गूंदना नहीं बोलते, हींचना बोलते। तो इस आटे को हम इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से मैं इस आटे को हींच रही हूँ, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पानी को गुनगुना ज़रूर कर लेना, इससे हमारी रोटी जो है बहुत अच्छे से बनती है। तो देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा सा ज़ोर लगाकर इस आटे को गूंदेंगे इस तरीके से। तो देखिए, ये सारा जो रोटी बनाने का जो मेथड है ना, वो इस तरीके से कि हम आटा किस तरीके से गूंदते हैं। अगर हमने आटा बहुत ही अच्छे से हींच लिया ना, तो हमें रोटी बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और धीरे धीरे हमारी रोटियां बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगी। तो देखिए, हम इस तरीके से अपना, ये देखिए, हथेली के जोर से अपने आटे को इस तरीके से हींचते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लेके। ये देखिए, ये हथेली दिखाई ना मैंने, इस तरीके से हथेली से हींचेंगे आटे को, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से बनाइए, आपकी रोटी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आप चाहे पन्नी से बनाएं, चाहे चकला बेलन पर बेल के बनाएं, लेकिन जो इस रोटी का टेस्ट होता है ना देसी स्टाइल में, वो हमारा किसी और तरीके से नहीं आता। तो देखिए, इस तरीके से हम अपना जो आटा है इस तरीके से हींचेंगे खूब अच्छे से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारी जो गेहूं की रोटी है ना वो फटाफट बन जाती है, और इस तरीके से हम गेहूं, मक्का, बाजरे की जो रोटी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए, आटे को हम इस तरीके से हींच रहे हैं, और जब ये आटा हिच जाता है तो हमें खुद ही फील हो जाता है कि हाँ, आटा बाइंड होने लगा, अच्छे से सॉफ्ट हो गया, तो फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा आटा हिच चुका है, मतलब तैयार हो गया रोटी बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हम गोल गोल इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, अपने थोड़ा सा ज़्यादा था तो थोड़ा कम कर लिया मैंने, इस तरीके से बनाएंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए, आप अगर आटा अच्छे से हींचना सीख गए ना, आप पहले प्रैक्टिस करिए आटे को हींचने की, जब आपका आटा बहुत ही अच्छे से हींचने लगेगा तो रोटी बहुत ही आराम से और आसानी से आपकी बन जाएगी। तो देखिए, आप मेरे हाथ देखना किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी। पहले हाथ शुरू में अगर बनाएंगे तो पहले थोड़ी छोटी छोटी सी बनेगी, फिर आप बनाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये रोटियां आपसे बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगी। तो देखिए, मैं चार उंगलियों से इस तरीके से दबा रही हूँ और अंगूठे से दबा रही हूँ, आप इस तरीके से दबाइए और हाथ में पानी रखिए। तो देखिए, इस तरीके से हम हथेलियों की जो हेल्प है, इससे अपनी रोटियों के किनारों को दबाएंगे। ये देखिए, जिस तरीके आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से किनारों को दबाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से किनारों को दबाएंगे और पानी देखिए इस तरीके से हाथ में लेंगे, और ये देखिए हथेले पे हम पूरे पे पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हथेले की हेल्प से हम दबाते रहेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं ना हथेले से, ये देखिए इस तरीके से हम बनाते रहेंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी। आप कहेंगे हाँ भाई, हम रोटी बनाना सीख गए, बड़े ही गर्व से बोलेंगे कि भाई हम रोटी बनाना सीख गए। तो देखिए, तवा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और अपनी रोटी ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए, इतना हम दूसरी रोटी को तैयार करते हैं, आटा हींचने तैयार करते हैं दूसरी रोटी के लिए। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, तो मेरा तो अंगारों पे बना है, आप गैस पे भी इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो अंगारों और चूल्हे का जो मज़ा है ना, वो किसी में भी नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हींचते रहेंगे। मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से ये रोटी बनाना सीख लें। तो आटे को इस तरीके से हींचना है हमें हथेली की हेल्प से, और खूब थोड़ा सा जोर लगता है, मेहनत लगती है भाई, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा हमें। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये आटा भी तैयार हो गया, और फटाफट से इसकी लोई भी हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए गोल गोल बना रही हूँ ना मैं उठा उठा के। तो देखिए, थोड़ा सा जो गेहूं की रोटी है उससे अलग हमारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है मक्का बाजरे की रोटी बनाने का, और इसी तरीके से आप चावल की रोटी भी बना सकते। तो देखिए, कोई शार्प सी चीज़ लेंगे, तो देखिए मैंने तो ये छुरी ले ली, इससे अपने रोटी को हम पलट देंगे अच्छे से, और दोबारा से हम हाथ में पानी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आगे पीछे दोनों तरफ से, और ये देखिए इस तरीके से फिर से हम उंगलियों को ये देखिए दबाएंगे। और रोटी हमें जब भी बढ़ानी है, जब हमारी तवे की रोटी सीख जाए, उससे पहले हमें रोटी नहीं बढ़ानी, वरना ये रोटी टूट जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोई को काफ़ी अच्छा खासा पहले बड़ा कर लेंगे, और आटे को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रखेंगे, ज़्यादा टाइट आटा रखेंगे ना तो रोटी हमारी बिल्कुल भी हमारी बनेगी नहीं। तो देखिए इस तरीके से फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप मेरे हाथ देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ, हथेली की हेल्प से मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बनाते, ये देखिए। और अगर आपकी रोटी फट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप इस तरीके से उसको दबाकर उसको वापस से जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम हथेली की हेल्प से दबाते हुए रोटी को बड़ा कर लेंगे। और फटाफट से पहले हम इस मैंने अब करछी ले लिया, नाइफ हटा दिया। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी ये देखिए इस तरीके से हम रोटी को पूरे खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए तवे पे से निकाल लेंगे इस तरीके से, और अपना तवा हटाकर अपनी रोटी को सेकना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे। और देखिए बहुत ही बढ़िया सी करारी सी खस्ता सी रोटी हमारी बनती है, तो बेहतरीन सी। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रोटी हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसको फटाफट से हम आप सेक लेते हैं तवा हटा के। तो देखिए मेरे अंगारे तो कम थे, आप भरकर अगर आप भट्टी पर बना रहे तो खूब सारे अंगारे, मतलब ये जो कोयला, आप खूब सारे कोयलों को दहका लेना, जला लेना, उसके बाद अपनी रोटी को सेकना। ये देखिए मैं इस तरीके से सेक रही, तो थोड़ा धीरे धीरे सीख रही है रोटी, लेकिन बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये रोटी बनी थी। तो सब्र का फल तो मीठा होता है भाई, तो इसलिए रोटी भी बहुत ही मज़े की लग रही थी खाने में। तो मैंने रोटी को बनाकर एकदम घी लगा लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ देखिए इस तरीके से। और जो दूसरी रोटी है वो भी मैंने डाल दी है तवे पे गैस के ऊपर, मतलब सेकूंगी मैं अंगारों पे। तो देखिए फटाफट से हम इसको सेक लेते हैं। तो देखिए आप बनाएंगे ना इस तरीके से तो आपको बहुत ही मज़ेदार ये रोटी लगेगी, बिल्कुल गांव का देसी स्वाद आ जाएगा आपको खाने में। जब मैंने तो सरसों का साग बनाया था, जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना, उसके साथ हमने बनाकर खाई थी बहुत ही मज़े से, सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई थी। मगर मैंने वीडियो दोनों की अलग अलग बनाई है, आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर बनाना, और आप मेरे तरीके से बनाना तो आप रोटी इंशाल्लाह ज़रूर से बना पाएंगे, क्योंकि भाई मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला फल ज़रूर देगा। तो आप बनाना, आपकी रोटी बहुत ही बढ़िया मज़े की बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी रोटियों को अच्छे से सेक लेंगे। देखिए रोटी एकदम सेक चुकी है, अब इस पे लगाएंगे गरम गरम रोटी पे देसी घी। देखिए और सरसों के साग के साथ मज़ा ही आ जाने वाला है। तो मैं एक एक करके अपनी रोटियां सेकती जाऊंगी और घी लगाती जाऊंगी, और रोटियां हमारी हो जाएंगी तैयार। तो ये देखिए सारी की सारी रोटियां हमारी सेक गई हैं। तो देखिए मैं फटाफट से एक रोटी और बची, इसको फटाफट से सेक लेती हूँ और देसी घी लगाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर बनाना।